أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. ये सूरह शुअरा की आयत नंबर 181 से 184 तक, 181 से 184 तक तिलावत की गई है। और तर्जुमा इसका ये है कि नाप तौल पूरा करो और कम देने वालों में से न बनो, और सीधी तराजू के साथ वज़न करो, और लोगों को उनकी चीज़ कम न दो, और ज़मीन में फसाद करते हुए दंगा न मचाओ, और उससे डरो जिसने तुम्हें और पहली मखलूक को पैदा किया। ये जो आयत हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की, और उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा बुराई पाई जा रही थी, नुमाया बुराई, उसका ज़िक्र किया। उनके अंदर बुराई क्या थी कि वो तिजारत पेशा लोग थे, ताजिर थे, लेकिन सामान को कम तौल कर देते थे। ये उनके अंदर बहुत बड़ी कमी थी कि जो लोगों को सामान देते थे, आज भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो इसमें अपना बड़ा फ़ायदा समझते हैं कि दूसरे का सामान थोड़ा सा मार लें और थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत धनवान बन जाएं, मालदार बन जाएं, ऐसे लोग हैं। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर भी यही चीज़ पाई जाती थी, दो बुराइयाँ। एक बुराई ये कि नापतौल में कमी करते थे, सामान पूरा नहीं तोलते थे, और दूसरा ये था कि वो लूटपाट किया करते थे, रास्तों में बैठ जाते थे और उधर से जो काफिले निकलते थे या कोई आदमी सामान लेकर बाजार से सामान खरीद कर निकल रहा है तो उसको अकेला पाकर लूट लेते थे, या बाहर से कोई आदमी सामान बेचने के लिए आ गया बेचारा तो उसका वो सामान जो है वो लूट लेते थे। तो ये चीज़ें पाई जा रही थी, चोरी और डकैती इसको हम लोग कहते हैं। ये दोनों चीज़ें जिस मुआशरे के अंदर पाई जाएँ तो सबसे पहली बात यह है कि उस मुआशरे का ये आईनादार हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, कितने बद अखलाक हैं, और उनके अंदर दौलत की कितनी बेजा मोहब्बत भरी हुई है, इस चीज़ को ये दिखाती है। और जब दिलों के अंदर दौलत की बेतहाशा मोहब्बत आ जाती है तो उसका नतीजा ये होता है कि सारे रिश्ते नाते और अखलाकियात सब ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ आदमी दौलत के पीछे ही भागता है कि ये हमें पैसा मिलता रहे, दौलत हमें मिले, और चाहे कितने ही रिश्ते नाते टूट जाएं। आपने देखा होगा आज के मुआशरे में, जब आप आँख उठाकर देखिए तो आपको हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो बुराई थी, उसकी कौम की जो ये बुराई थी, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की जो ये बुराई थी, आज ये बुराई हमको अपने मुआशरे में नज़र आ रही है। यहाँ लोग अपनी बहनों का हक खा जाते हैं, भाइयों का हक खा जाते हैं, विरासत में हक ही नहीं देते, मौका पड़े तो अपने ही भाई को लूट लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें, दोस्तों को दगा देते हैं, आदमी उस पर भरोसा करता है वो उसी को लूट लेते हैं। तो इस तरीके ये सब क्यों होता है, इसलिए कि दिल में पैसों की मोहब्बत ज़्यादा होती है, उनको ऐसा लगता है कि बस सब कुछ पैसा है, दौलत है, तो फिर अखलाकियात बाकी नहीं रहती। और जब अखलाकियात बाकी नहीं रहती तो समाज कैसे बाकी रहेगा, समाज का ढांचा कैसे मजबूत रहेगा, आपस की उखुवत, आपस की रवादारी, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे का तआवुन, वो कहाँ बाकी रहेगा। तो जो समाज अल्लाह चाहता है, जिस तरह के बंदे अल्लाह चाहता है, वो समाज तो टूट जाएगा और वो बंदे तो नापैद हो जाएंगे। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, औफुल कैला, कि माप को पूरा दो, जो नाप करते हो तुम, तौलते हो, जो तराजू में सामान रखकर तौलते हो, तो वो तौल पूरी करो। ऐसा ना हो कि उसके नीचे कोई चुंबक लगा दो जिसकी वजह से पलड़ा झुक जाए, सामान कम तौलो, या तौलो कुछ और सामान पूरा पूरा और दो दूसरे को दूसरा सामान, आँख जरा सी बची और दूसरा घटिया सामान पकड़ा दिया हाथ में कि ले जाओ इसको, और बेचारा आदमी भरोसा करके वो लेकर जाता है, बाद में मालूम हुआ कि सब खराब निकला तो उसके पैसे भी बेकार हो गए, और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि उसने सड़ा सामान, अपना ख़राब सामान बेच दिया। तो सामान का कम देना या ख़राब सामान देना, घटिया सामान देना, ये अल्लाह को पसंदीदा नहीं है। वला तकूनु मिनल मुख्सरीन, और कम देने वालों में से मत बनो, सामान को पूरा पूरा तौल कर दो। तुम जो तिजारत कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, तो ये तुम्हारी आजमाइश है, अल्लाह ने तुमको इस जगह पर बिठाया है।
चाहे वो कोई दुकानदार हो, चाहे ठेले पर सामान बेचने वाला हो, या कोई बड़े पैमाने का बड़ा व्यापारी हो, थोक में सामान बेचने वाला हो, लेकिन अगर वो कमी करता है तो अल्लाह की निगाह में नापसंदीदा शख्स है। ऐसे में बरकत नहीं होती है, ऐसे के माल में बरकत नहीं होती, ऐसे का माल जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। ऐसे लोग आपको परेशान मिलेंगे। जो दूसरों को धोखा देता है तो फिर खुद उसके साथ भी अच्छा नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसों को, ऐसों के साथ उनके रिस्क में, उनकी कमाई में फिर बरकत नहीं रखता। तो जो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं दूसरों को धोखा देकर और नाप और तौल में कमी करके, तो वो पसंदीदा नहीं। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जो नसीहत की तो उनके अंदर जो पाई जाने वाली बुराइयाँ थीं उन बुराइयों को ज़ाहिर किया और बताया कि ये बुराइयाँ तुम्हारे अंदर हैं और इन बुराइयों को अपने आप को दूर करो, क्योंकि अल्लाह कोई पसंदीदा नहीं है। इससे ये बात पता चली कि नबी हमेशा उस जगह पर चोट लगाते हैं जो हसास जगह होती है, जहाँ से मुआशरे का ताना बाना बनता है। जैसे शुएब अलैहिस्सलाम या साबिक़ अंबिया कराम सब ने सबसे पहले तौहीद को बयान किया, क्योंकि जब दिल के अंदर अल्लाह की तौहीद होगी, अल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह का तकवा होगा, तो इंसान ऑटोमेटिक सही होता चला जाएगा। फिर उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो हर मामले में देखेगा कि अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा और मुआशरा धीरे धीरे अपने आप सही होता चला जाएगा। हज़ार लोग हैं, अगर हज़ार लोग अपने आप को सही कर लें तो पूरा मुआशरा सही हो जाएगा, और अगर हज़ार लोग के तुम पीछे पड़े रहो, एक एक पुलिस लगाते रहो तो भी नहीं सही होगा। दस सही होंगे तो बीस बेकार हो जाएंगे। एक एक के ऊपर निगाह रखना ये मुमकिन ही नहीं है। कोई हुकूमत कितनी भी मजबूत हो जाए, एक एक फर्द के ऊपर निगाह नहीं रख सकती। ये उसी वक्त सही होगा जब आदमी का दिल सही होगा, और दिल उस वक्त सही होगा जब उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत होगी, जब रसूल की इताअत होगी। तो पैगंबर हमेशा उस चीज़ को बयान करते हैं जो मुआशरे के अंदर खराबी की बुनियाद होती है, चुनांचे शिर्क उसकी बुनियाद है और तौहीद उसको सही करने का ज़रिया है। लिहाजा वो तौहीद और शिर्क को खुल्लम खुल्ला बयान करते हैं। उसके बाद वो बुराइयाँ, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम में दूसरी बुराई थी उसको उन्होंने बयान किया, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में ये बुराई पाई जा रही है, नाप तौल में कमी करना, लोगों को लूट लेना, इसको बयान कर रहे हैं। वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, और बिल्कुल सीधी तराजू के साथ वजन करो। पहले जो तराजू होता था दोनों पलड़े उसके होते थे, तो बिल्कुल सीधा रखो उसको, उसमें कमी ना करो। वला तबखसु الناس اشیاءهم, और लोगों को उनकी चीज़ें कम मत दो। वला तअसु फिल अर्ض मुफ्सिदीन, और ज़मीन में फसाद करते हुए दंगा ना मचाओ। एक तो कम तोलने को दंगे से ताबीर किया, क्यों ताबीर किया? इसलिए कि जब कोई दुकानदार किसी को कम सामान देगा एक दिन दो दिन तीन दिन, तो फिर सामने वाला जब पता उसको चलेगा तो वो बेइंतहा नाराज़ होगा, और ये चीज़ नौबत लड़ाई तक जा पहुंचती है, दिल की कुदूरत तक जा पहुंचती है, और फिर दंगे शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे को फिर बुरा भला कहना शुरू हो जाता है, और यहीं से समाज टूटना शुरू हो जाता है। और दूसरी वो बुराई जो लोगों को लूट लेते थे, तो इसको फसाद से ताबीर किया है, किसी के पैसे ज़बरदस्ती छीन लेना। वो बेचारा अपना सामान बेचने के लिए आया है तुम्हारे इलाके में, बर्तन लेकर आते थे, ज़्यादातर लोग बर्तन वगैरह बेचते थे, लोग आते थे और एक बर्तन ले लिया, दिखाने के बहाने चले गए घर में, अब वो आ ही नहीं रहे। थोड़ी देर बाद दूसरा आया, उसने दूसरा बर्तन लिया, वो चला गया, कहीं आठ दस लोग एक साथ आ गए, उसके सामान को लूट लिया, वो बेचारा खड़ा है, वो तो आया था सामान बेचने के लिए। तो ये जो लूटना है